हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक यानी 13 क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देखा था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जैसा कि आज से हम क्वेश्चन नंबर 14 से सोल्यूशन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी एक क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को जो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वहां से इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। क्वेश्चन कहता है, आप वहां से देख सकते हैं कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। वह आने और जाने में टी घंटे लगाता है, तो दूरी ज्ञात करें। यानी एक आदमी है जो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी है, वह एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो हमने दोनों अलग अलग चाल है, तो हमने उस दूरी को दोनों का एलसीएम मान लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया डिस्टेंस दोनों की एलसीएम। तो एक्स और वाई का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी ये एक्स वाई किलोमीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। यानी वही दूरी वो एक्स किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जाता है और वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो हमने दोनों के एलसीएम को क्या मान लिया, हमने दूरी मान लिया। तो अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स वाई किलोमीटर का दूरी जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा, y घंटा लगेगा, और जब y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो y समय को डिवाइड करेंगे तो y तो कितना समय लग जाएगा उसे, x आवर लग जाएगा, ठीक है। ये आपको देखें समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में कहता है कि उसे आने जाने में कुल टी घंटे का समय लगता है। तो यानी ये टाइम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आने जाने में उसे कुल कितना समय लगता है, टी घंटा लगता है। यानी और हमारे अनुसार कुल समय कितना लगता है, x प्लस y, यानी x प्लस y की जो वैल्यू हो रही है यह कितना हो रही है, t, यानी x प्लस y यूनिट की वैल्यू कितना है, t, ये हमारा एज्यूम किया हुआ वैल्यू है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, t बट्टा x प्लस y हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वैल्यू निकालना किसका है, एक्स वाई का। तो जब एक यूनिट की वैल्यू टी बाई एक्स प्लस वाई आ गई, एक्स बटा एक्स प्लस वाई आ गया, तो एक्स वाई यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह कितनी हो जाएगी, एक्स वाई यूनिट की वैल्यू आएगी यानी टी बटा एक्स प्लस वाई गुना हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। यानी एक यूनिट की वैल्यू इतना तो एक्स वाई यूनिट की वैल्यू इतना होगा। यानी हम देखेंगे कि यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जब कभी भी हम इस केस में हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि यानी चाल का क्या हो रहा है, ये एक्स वाई हमारा क्या है, स्पीड है। तो स्पीड का यानी अगर मान के चलिए कि ये एस वन स्पीड है, ये इस फॉर्मूला से आपको देख करके लग रहा होगा कि ऊपर में चाल जो है चाल का मल्टीप्लाई और नीचे में चाल का सम और ऊपर में क्या टोटल टाइम, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अगर ये एस वन स्पीड हो और अगर ये एस टू स्पीड हो तो डिस्टेंस बराबर हम क्या कहेंगे, एस वन इंटू एस टू बट्टा एस वन प्लस एस टू और इंटू टोटल समय, यानी आने और जाने में लिया गया कुल समय। यहां हम क्या कहेंगे, आने और जाने में लिया गया कुल समय, यानी इसे हम कह सकते हैं टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, यानी जो आने और जाने में जो कुल समय लगेगा वही कुल समय हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला का आपको याद रखना है, एस वन इंटू एस टू बट्टा एस वन प्लस एस टू इंटू टोटल टाइम। अब क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन देखिए, आपको हमारा जो क्वेश्चन है तो 14 नंबर क्वेश्चन हम जरा से देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको समझते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला हम आज आने देते हैं और इसी फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला रह गया, आप वहां से देखिए जरा। ये कहता है
कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और उसे कुल समय का कुल 5 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यानी हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस बराबर S1 यानी 3 किलोमीटर घंटे की चाल से स्कूल जाता है, दूरी तो वही है तो 3 चाल है, और फॉर्मूला देख रहे हैं S2 और आता है किस चाल से 2 किलोमीटर यानी 3 गुना 2 हो गया, और कुल टाइम यानी S और चाल का हमको क्या निकालना है सम, तो 3 प्लस 2 लिखेंगे, हमने चाल का सम लिख दिया, और कुल समय कितना लगता है तो कुल समय उसे लगता है 5 घंटा। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला देखिए S1 × S2 तो हम 3 गुना 2 कर दिए, यहाँ पर S1 3 है S2 2 है और दोनों का सम 3 प्लस 2 और गुना 5, यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस निकलेगा यानी ये आ गया 3 × 6 / 3 × 2 = 5 और गुना 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 6 किलोमीटर का क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें थोड़ा सा फॉर्मूला निकालना था बस इस फॉर्मूला से। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता चल गया कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू S1 × S2 / ठीक है S1 × S2 / S1 + S2 × total time, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपके पास पीडीएफ भी है वहां से देख सकते हैं। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, दूरी निश्चित है, और 4 किलोमीटर की चाल से वापिस आता है, यानी 25 किलोमीटर डिस्टेंस हमें निकालना है, 25 किलोमीटर की चाल से गया और 4 किलोमीटर की चाल से वापस आया, और 25 यहाँ पर हम दोनों चाल को क्या करेंगे जोड़ देंगे, फॉर्मूला के अनुसार देखिए 25 × 4 / 25 + 4, ठीक है, और आने जाने में 5 घंटा 48 मिनट, तो 5 घंटा 48 मिनट को हम घंटा में चेंज करते हैं, तो ये तो 5 घंटा है और 48 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 12 × 48 = 12 × 5 = 60 यानी 5 × 25 = 29 / 4 क्या हो जाएगा 5 घंटा, यानी ये हमारा आ गया कुल समय 29 / 5 घंटा। ठीक, अब इसे 25 चौका हम इसे क्या लिखेंगे 100, 25 चार क्या होगा 29 × 29 / 5, 29 से 29 कैंसल, 5 से 20 यानी जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को जरा समझते हैं। इस 16 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले हम जरा सा एक और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जहां से एक फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पे समझ सकते हैं देख करके, कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, अगर वह आने और जाने में t घंटे जाने से t घंटे ज्यादा समय लेता है तो दूरी क्या, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो हम कुल दूरी दोनों का एलसीएम मान लिए एक्स वाई किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गया, और अगर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है इतनी दूरी, तो इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी में चाल से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा वाई घंटा समय, और यहाँ पर कितना लगेगा एक्स घंटा, यानी वाई किलोमीटर प्रति घंटा इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स घंटा। तो आने क्या क्वेश्चन में क्या कहता है कि आने में जाने से टी घंटा ज्यादा समय लगता है, तो आने में जाने से टी घंटा ज्यादा, तो आने में कितना समय लगा एक्स घंटा, यानी एक्स घंटा लगा आने में, ठीक है, और जाने में कितना लगा था वाई घंटा, दोनों का जो डिफरेंस है वह समय दिया रहेगा, समय हमारा क्या होगा दिया रहेगा टी घंटा लगता है, एक्स को एक्स माइनस वाई का वैल्यू हो गया टी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी टी बटा एक्स माइनस वाई, और हमें निकालना है किसका एक्स वाई का, तो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी टी बट्टा एक्स माइनस वाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक्स वाई,
यानी हम यहां से एक फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं टी टाइम का डिफरेंस यानी सॉरी स्पीड का डिफरेंस या स्पीड का डिफरेंस गुना स्पीड का मल्टीप्लाई, यानी अगर आप इसको एस वन मानते हैं इसको एस टू मानते हैं, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस का वो आएगा एस वन इंटू एस टू बट्टा, ठीक है, एस वन इंटू एस टू बट्टा एस वन माइनस एस टू, यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है, स्पीड का डिफरेंस और गुना टोटल टाइम, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को अब सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूला पे। हमारा 16, 17 और 18 तीनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा समझते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट देर हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यानी देखिए आप जरा, डिस्टेंस हमको निकालना है, किस किस चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है। और हम नीचे में क्या लेना है, हमें फॉर्मूला है कि एस वन इंटू एस टू, हमने एस वन इंटू एस टू ले लिया और चाल का डिफरेंस तो कितना आएगा, 40 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं 40 माइनस 30 यानी क्या हो जाएगा, 10। और टोटल समय में कितने का अंतर आता है, तो पहली बार में 10 यानी मान लो कि ये टाइम है पहुंचने का, तो पहली बार में 10 मिनट देर यानी पीछे रह जाता है और अगली बार में प्लस 5 मिनट यानी 15 मिनट का गैप आता है, 10 मिनट पीछे रहना और 5 मिनट आगे जाना, इसका मतलब कितने मिनट का गैप, 15 मिनट का गैप। तो यानी हमारा कुल समय कितने का अंतर आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल समय यानी जो टोटल टाइम में अंतर रहेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम में जो अंतर आता है हमें वही इस क्वेश्चन का, यहाँ पर टोटल टाइम या इसे हम ये भी लिख सकते हैं समय का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, या हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर है, समय का अंतर, समय का अंतर, तो समय का अंतर लिख लीजिए फॉर्मूला में ज्यादा क्लियर रहेगा। तो समय में हमें कितने का अंतर आया, 15 मिनट का, इसको घंटा बनाएंगे तो कितना से भाग करेंगे, 60 से, ठीक है। अब देखिए 40 अब चाहे तो काट सकते हैं, 30 दुना 60, 10 चौके 40, 2 दुनी 4, 15 दुनी 30 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट देर हो जाता है, अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, पहले दिन 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया यानी 5/2 के चाल से गया, ठीक है, ये एस वन हो गया, और अगले दिन 1 किलोमीटर घंटा बढ़ा देता है यानी 5/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2, तो यानी 7/2 से अगले दिन जाता है, ठीक है, बढ़ा देता है और उसे कितना जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, पहले दिन 6 मिनट लेट, मान लो ये टाइम है पहुंचने का, तो पहले दिन 6 मिनट लेट और एक दिन 6 मिनट जल्दी, तो यानी कितने समय का गैप आ रहा है, 12 मिनट का, अगर इस चाल से गया तो 6 मिनट देर और इस चाल से गया तो 6 मिनट जल्दी, तो देर और जल्दी में 12 मिनट का फासला है। और समय में कितने का अंतर है, सॉरी स्पीड में कितने का अंतर है, 1 घंटा का स्पीड में पहले से अंतर दे रखा है, या अगले दिन उसने 1 घंटा स्पीड क्या किया है, बढ़ाया है, तो स्पीड में अंतर 1 घंटे का और टोटल टाइम में अंतर कितना है, 12 यानी 12 मिनट का, तो मिनट को हम घंटा बढ़ाएंगे तो 60 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब इस क्वेश्चन को हम यहीं से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 7×5=35, 4 चलाएगा नीचे में यानी 35/4 गुना 12/60, 4×3=12, 20×3=60, ठीक है, 5×4=20, 5×7=35 यानी 7/4 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7/4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट जाता है, अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी गलत है। यानी यहाँ भी डिस्टेंस बराबर, यानी पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट जाता है, अगली बार वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो S1 × S2 लिख लिया। समय स्पीड में अंतर कितने का है, पहले 10 बाद में 12, 2 घंटे का अंतर है समय, सॉरी स्पीड में 2 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड जो जो अंतर होता है नीचे में लिखते हैं और S1 × S2 ऊपर में, ठीक है। और कुल समय में कितने का अंतर है, तो समय में अंतर है पहले दिन में 15 मिनट लेट और अगले दिन में 5 मिनट लेट जाता है, तो कितने मिनट, 10 मिनट का अंतर है, कितने मिनट का, 10। पहले दिन 15 मिनट लेट होना, ठीक है, यानी पहले दिन समय से 15 मिनट पीछे रह गया, अगले दिन 5 मिनट पीछे रह गया, तो 5 मिनट या 15 मिनट, ये पूरा 15 ये 5, तो कितने का अंतर आ गया समय में, 10 का, ठीक है। तो 10 को घंटा में बदलेंगे क्योंकि ये मिनट का है, तो घंटा में बदल दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 × 5 = 10, 12 × 5 = 60, 12 से 12 कट गया, यानी 10 किलोमीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा है, 14 से लेकर 18 तक का। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं और इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप, अगर आपको पसंद आता है तो अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से आप अपने घर पे रहें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इस सबका नोट्स बनाते रहें। तो चलिए इस तरीके से, बाय, टेक केयर।